स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपने फॉर्मूलाज कंप्लीट किए थे स्मॉल फ्रेंड से। आज हम आपने कुछ सम्स किए होंगे उससे फॉर्मूलाज से रिलेटेड। आज हम लोग एमएस करेंगे, मेंटल सम करेंगे, मतलब हम अपने अबाकस को इमेजिन करेंगे अपने माइंड में और उससे अपने माइंड से ही मेंटली हम लोग अपने सम्स सॉल्व करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, ये हमारा अबाकस है जो हमें अपने माइंड में सेट करके रखना है कि कहाँ हमारा सेंटर पॉइंट है, हमारी वंस, टेंस, थाउजेंड डॉट कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। अपने अबैकस को हम ऐसे ही टेबल पर रख लेंगे। अपने मैंने अपने अबैकस को टेबल पर रख लिया है, आप सब लोग भी रख लीजिए। इसको सिर्फ मैंने रखा है। अब अगर मुझे कोई सम करना है तो मैं अबैकस पर नहीं करूंगी, इस अबैकस को सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करूंगी अपने माइंड में कि मेरा अबैकस है। आप आईज बंद कर लीजिए, आईज आपकी बंद होनी चाहिए। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें करना है, मेरा सम है 1, 3, -2। अब मुझे ये मेंटली करना है। मैं अपने अबैकस को तो नहीं टच करूंगी, पर मैं अपने अबैकस की तरह ही अपने हाथों को होल्ड करके रखूंगी जैसे मैंने अबैकस को किया था। अब मुझे करना है 1, तो मैं सोचूंगी कि मेरा सेंटर पॉइंट है ये, मैं 1 अप करूंगी। देन मेरे पास था 3, मैं 3 अप कर लूंगी। अब मुझे करना है -2, तो मैं मेंटली ही -2 कर दूंगी। आंसर आया 2। नेक्स्ट सम करेंगे, सिर्फ हमें इमेजिन करना है, हमें अबैकस को नहीं टच करना। हमने अपने माइंड में जो हमारा अबैकस सेट हो चुका है इतने सम करने के बाद, हमें उसको देखना है। अब मेरा नेक्स्ट सम है 2, -2, 1। दोबारा से करेंगे हम लोग 2, -2, 1, दैट इज 1। आंसर इज 1। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। नेक्स्ट सम देखिएगा 4, -1, 1। फिर दोबारा हम इमेजिन करेंगे 4, -1, 1, दैट इज 4। आंसर इज 4। एक सम और देख लेते हैं हम 3, -1, 1। अगेन इमेजिन करिए आप अबैकस और करिए 3, -1, 1, दैट इज 3। आंसर इज 3। अब हम एक टेंस रॉड का सम देख लेते हैं कि हम उसको कैसे इमेजिन करेंगे। ये देखिएगा 30, -10, 40। अब उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ता है। हम लेफ्ट हैंड करेंगे, सेंटर पॉइंट के जस्ट बराबर वाली रॉड हमारी टेंस रॉड होती है। हम करेंगे 30, -10, 40। अब 40 के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमारा स्मॉल फ्रेंड टेंस की रॉड पर क्या होता है 50, तो हम क्या करेंगे 50 down, 10 down। आंसर इज 60। आंसर इज 60। अगेन सेम सम देखेंगे टेंस रॉड पे। इमेजिन करिए टेंस रॉड, 30 अप करिए, उसमें से -10 कर दीजिए। हमारे पास इस समय रॉड पर क्या है 20। अब हमें नेक्स्ट करना है 40, तो हमारे पास 40 नहीं है टेंस रॉड पे, ओनली 20 है, तो हम स्मॉल फ्रेंड की हेल्प लेंगे 50 down, 10 down, दैट इज 60। ओके, आई थिंक आप लोगों को हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा मेंटल सम कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि आप सब जगह अबैकस नहीं लेके जा सकते। आपको अगर फास्ट होना है तो आपको एमएस की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ शीट दूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। उसमें कुछ सम्स हैं, वो सम्स आपको सॉल्व करने हैं। अगर उसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। आपको पहले वो सम सारे अबैकस पे करने हैं, देन बाद में आपको उसको मेंटली करना है। आज मैं आपको कुछ और नए फॉर्मूलाज कराऊंगी। अभी हमने +4, +3, +2, +1 करा था, ऐसे ही हमें सम्स में माइनस भी हो सकता है, -4, -3, -2, -1, तो आज हम
वो फॉर्मूलाज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़े से और फॉर्मूलाज करेंगे। तो एक सम देखते हैं, 5 - 4 = 8 करते हैं सम। अपने सेंटर पॉइंट पर आ जाते हैं, वंस रॉड पर, 5 - 4। अब हमें माइनस फोर करना है, हमारे पास माइनस फोर करने के लिए नहीं है डायरेक्ट। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को फॉर्मूलाज की जरूरत होती है। फोर का फॉर्मूला क्या है, फोर का पार्टनर क्या है, वन। पहले जब हम प्लस कर रहे थे तो पार्टनर को माइनस कर रहे थे, आज हम माइनस करेंगे तो पार्टनर को प्लस करेंगे और स्मॉल फ्रेंड को माइनस करेंगे। देखते हैं, पार्टनर को प्लस करेंगे और स्मॉल फ्रेंड को माइनस करेंगे। जब हम प्लस कर रहे थे तो पार्टनर माइनस हो रहा था, स्मॉल फ्रेंड प्लस हो रहा था। जब माइनस करते हैं तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, पार्टनर प्लस एंड स्मॉल फ्रेंड माइनस। हम देखेंगे, हमारे पास 5 है, हमें माइनस 4 करना है, तो 4 का पार्टनर क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 5, दोनों ही अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 भी अप होगा और 5 भी अप होगा। ऐसे ही 1 प्लस हो जाएगा और 5 माइनस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या है, 1। अब हमारी नेक्स्ट डिजिट है 8, 5 and 3 = 8, that is 9। नेक्स्ट देखेंगे, 2, 1, 3। क्लियर कर लेते हैं, हम अपनी डॉट ओपन करेंगे, 2, 1, 3। अब हमारे पास 3 डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, हमें प्लस 3 करना है, तो हम लोग फिर स्मॉल फ्रेंड की हेल्प लेंगे। और हमारा प्लस 3 का फॉर्मूला क्या था, प्लस 5 - 2, 5 down 2 down। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, अपनी रॉड क्लियर कर लेते हैं। और नेक्स्ट सम है हमारा 8 - 3 - 4, सेंटर रॉड पर आ गए, 8 - 3 - 4। अब अगेन हमारे पास माइनस 4 डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, हम अपने फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। और 4 का फॉर्मूला क्या है, माइनस 4 का फॉर्मूला, प्लस 1 माइनस 5, प्लस 1 माइनस 5, आंसर इज 1। रॉड क्लियर कर लेते हैं, अपना नेक्स्ट हम देखेंगे, 8 - 1 - 3। आ जाइए अपने सेंटर पॉइंट पर, 8 - 1 - 3। अब हमारे पास अगेन माइनस 3 करने के लिए नहीं है, हम फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। और 3 का पार्टनर क्या होता है, 2। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो पार्टनर हमारा प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखेंगे, माइनस 3 का प्लस 2 - 5। अब हमें माइनस 3 हमारा डायरेक्ट इजीली हो जाएगा, प्लस 2 - 5, आंसर इज 4। हमने 2 को भी अप किया और 5 को भी अप किया, माइनस 3 का फॉर्मूला क्या हुआ, प्लस 2 - 5। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 - 4 - 3, क्लियर कर लेंगे रॉट, 9, 5 और 4 pinch, -4 - 3, माइनस 3 का फॉर्मूला, प्लस 2 - 5, आंसर इज 2। नेक्स्ट सम देखेंगे हम अपना, हमारा नेक्स्ट सम है 60 - 10 - 30। ये मैंने आपके लिए टेंस रॉड के लिए एक सम बनाया है, देखेंगे टेंस रॉड। अपनी वंस रॉड क्लियर कर दीजिए, हमारा फर्स्ट था 60, लेफ्ट हैंड से करेंगे 50 और 10, 60 - 10 - 30। जो हमारा माइनस 3 का फॉर्मूला था वैसे ही हमारा माइनस 30 का भी हो जाएगा, प्लस 20 - 50, आंसर इज 20। नेक्स्ट हम देखेंगे 74 - 12 - 20,
अब हमारे दोनों रॉड पे वर्क होगा, हमारे पास है 74, तो टेंस रॉड पे 70 करना है हमें, 50 और 20, 74 माइनस 12, 10 और 2 माइनस कर देंगे, माइनस 20, अब हमें माइनस 20 करना है, माइनस 20 करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, हमारे पास केवल 10 है यहाँ पर, क्योंकि हमारा 30 नीचे है, डाउन है, तो हम माइनस 20 कैसे करेंगे, 2 का फॉर्मूला क्या, 2 का पार्टनर क्या होता है 3, ऐसे ही 20 का पार्टनर क्या होगा 30, अगर माइनस हो रहा है तो पार्टनर प्लस होगा, 20 का पार्टनर 30 तो 30 अप 50 अप, प्लस 30 माइनस 50, माइनस 2 का फॉर्मूला क्या हुआ, प्लस 30 प्लस 3 माइनस 5, 3 अप 5 अप। नेक्स्ट सम, अब हम अपना नेक्स्ट सम करते हैं, वन रॉड पर करेंगे ये, 3 2 माइनस 2, आ जाइए अपने वन रॉड पर, 3 2, अब ये प्लस 2 है तो पार्टनर क्या होगा माइनस, स्मॉल फ्रेंड की हेल्प लेंगे, प्लस 5 माइनस 3, हमारे पास क्या आ गया 5, अब हमें करना है माइनस 2, माइनस 2 के लिए हमने क्या फॉर्मूला था हमारा, प्लस 3 माइनस 5, प्लस 3 माइनस 5, आंसर इज 3, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम अपना 6 माइनस 1, अगेन माइनस 1, आ जाएंगे अपने वंस रॉड पर, 6 माइनस 1 अगेन माइनस 1, अब हमारे पास डायरेक्ट माइनस 1 करने के लिए नहीं है, अब 1 का पार्टनर क्या है 4, अब हमें यहां माइनस करना है तो पार्टनर हमारा प्लस होगा, तो 4 प्लस 4 माइनस 5, क्या फॉर्मूला हुआ हमारा माइनस 1 का, प्लस 4 माइनस 5, 4 अप 5 अप, हमारा आंसर क्या आ गया यहां पर 4। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 2 माइनस 1, अपनी वंस रॉड क्लियर कर लीजिए, 7 पिंच करेंगे, 7 एंड 2, 7 2 करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज 8। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने कुछ और नए फॉर्मूलाज करे हैं, तो आप उनसे कुछ सम कीजिएगा, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको कुछ शीट दूंगी, वो शीट आप सॉल्व करिएगा, पहले अबैकस पर करना है, देन आपको एमएस मेंटल सम कर रहे हैं, सो आपको समझ में आ गया होगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, थैंक यू। स्टूडेंट्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक लिंक सेंड करूंगी, वो लिंक से को अगर आप ओपन करेंगे तो वो मेरी राइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लास का लिंक है, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी राइटिंग केवल 7 क्लासेस में ऐसी हो जाएगी कि टीचर्स भी देख के हैरान हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो जाएगा जब आपकी टीचर्स आपकी राइटिंग की तारीफ करेंगी, तो आप मेरा लिंक जरूर खोल के देखिएगा, आपको उससे 100% बेनिफिट होगा, 100% आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी।